ठीक होंगे। आज चांद रात है, हम सबकी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक मुबारक हो। तो आज देखते हैं कि हमारे घर में किस तरह से चांद रात सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। तो मेहंदी वगैरह कौन लगाता है और कौन लगवाता है, और मीठे में क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ रहिए, नहीं भी है तब भी देख लीजिएगा ना। तो क्या जाता है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखें, आयत ने मम्मा को मेहंदी लगा ली है, तकरीबन कंप्लीट हो गई है, जस्ट एक अंगूठा रह गया है। यार भूख लग रही है, पिज्जा ऑर्डर करें। हाँ कुछ तो ऑर्डर कर लो। चलो ठीक है, मैं हिजाब को कहती हूँ कि वो फूड पार्लर निकालें, कुछ ऑर्डर करें। तो हिजाब कहाँ है आयत? तो दाल चावल लेने गई है किचन में। अरे हाँ मम्मा, आपने दाल चावल बनाए हैं वही खाते हैं हम लोग। कैसी लग रही है? थोड़े से खा लेते हैं ना। पिज्जा रात में 12 बजे ऑर्डर करना है। ये कैसी लग रही है? जबरदस्त। मेरे हाथ पे। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी आप लोग को। नैना का टाइम आ गया, अब नैना को लगी। ये पॉलर में एक साइड पर कितना लेते हैं? एक साल पहले तक तो 150 रुपए था, अब का पता नहीं। ये देखें फ्री लगाई है आयत ने। और क्या। और अब ये छोटा सा हाथ तैयार है मेहंदी के लिए। हाँ जी, नैन का हाथ तैयार है। ओ दाल चावल आ गए। यम्मी। गाय जी बिल्कुल मैमूना मुस्लिमा की तरह तो बोलती है। पता नहीं, देखते मुझे, मैंने तो उनको नहीं देखा अभी तक। मेरे लिए भी प्लेट बना दे, मैं थक गई हूँ ना मेहंदी लगा लगा कर, और उससे पहले कपड़े सी सी कर, किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा। हमारे घर की काम वाली भाई यही है। हाँ काम वाली सारे टैलेंटेड काम आते हैं मुझे। हाँ मेरी प्लेट में भी डाल दें। थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें अचार नहीं है। गाइस आयत ने मेहंदी लगा ली है, वैसे अच्छी लग रही है, बट बिलीव मी बहुत ज्यादा अच्छी मेहंदी लगा सकती है इसने आज। अम्मी आप देख ले, इन्होंने कैसी मेहंदी लगाई है आपको। अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छी है। जल गई थी ना, देखा जाग जल गई। कोई जल बल नहीं गई आज, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ अच्छी है, पर जैसी हमेशा होती है वैसी नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ, नैना को भी लगाई जा रही है मेहंदी। फिर कैसे ही हुई तो बनाते हैं। फ्रेंड्स तो मैंने ये मेहंदी मम्मा के हाथों में लगा ली, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है मम्मा। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू। तो ये देखिए हमारी चीजें, और क्या बनने वाला है भाई आज? शीर कोरमा बनने वाला है।
देख लेते हैं। गाइस अम्मा ने हमारे हाथ धो लिए और वो शीर खुरमे की तैयारी में लग चुकी हैं। देख ले मेहंदी वाले इनके हाथ, और ये शीर खुरमा हमारा बन रहा है ईद का शीर खुरमा। पर ये इतने मज़े का लग रहा है कि क्या पता रात में ही ख़त्म हो जाए। क्यों अम्मी, खा सकते हैं हम? तो गाइस ये देखिए शीर खुरमा हो चुका है रेडी, बिल्कुल तैयार हो चुका है। यम्मी लग रहा है, और कोई खाने नहीं देगा? मम्मा नहीं खाने देंगी अभी? तो जाहिर सी बात है ये तो सुबह में खाएंगे। बना हम चांद रात को लेते हैं, लेकिन खाते हम सुबह में ही। अभी भी टेस्ट करेंगे ना। तो शीर खुरमा हमारा बन चुका है, चांद रात की तैयारी सारी हो चुकी है, मेहंदी लग चुकी है। तो अब बस जो रहता है वो यही है कि हम लोगों ने खाली ब्लीच वगैरह लगानी है या मुल्तानी मिट्टी लगानी है, तो वो हम लोग शूट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हम सब नहीं लगानी है, तो वीडियो कौन बनाएगा। सो आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही। छोटी मोटी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, हमें बहुत खुशी होती है अपनी हर छोटी से बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो बस बाकी आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियोस बनाना है, बाकी एक्टिविटीज़ अपनी जगह, लेकिन दिल से जो दुख है वो है दुआ जहरा के वालदैन के लिए, दुआ जहरा के लिए। तो काइंडली इस ईद पे अपनी खुशियों के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उनके मुश्किलात में आसानी पैदा करे, अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर करे, अल्लाह उन लोगों को सब्र जमील अता करे। दिल से दुख है उन लोगों के लिए और वो हमें बिल्कुल याद हैं इस दुख में। अल्लाह किसी पे भी ऐसी परेशानी ना लाए, वो भी इस रमज़ान के महीने में। तो चलें बस हमें आप लोग इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं आपसे अपने नए व्लॉग में। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक। अल्लाह हाफिज़।